हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम देखो ना क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कुछ ही लेबलिंग्स हैं, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया है। और बहुत सारी बातों को जिनको हम पैराग्राफ में भी लिख सकते थे, बट यहाँ डायग्राम में लिखा, क्योंकि इसके लिए आपका मैटर शॉर्ट हो जाए, थोड़ा पढ़ने में बड़ी आसानी हो। हालांकि मैं इन बातों को जस्ट इस नेक्स्ट इसको मिटाने के बाद में एक स्लाइड में मैं इनको वैसे पैराग्राफ की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में भी सारी चीज़ें लिखूंगा, ताकि आपके नोट्स एकदम प्रॉपर बने। तो चलिए एक बार इसका आइडिया ले लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। देखो, ये एलिमेंट्री कैनाल का मैंने कट सेक्शन लिया है। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज सिरोसा। आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज सिरोसा, विच इज मेड अप ऑफ विजरल पेरिटोनियम प्लस सम कनेक्टिव टिश्यू। विजरल पेरिटोनियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू, सिरोसा द आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, उसके बाद में जो दूस देखो, चार टाइप की लेयर्स होती हैं, चार लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में। अगर देखें, बाहरी बाहर सिरोसा, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, याद रखना। अब देखो, अब दूसरी लेयर मैंने बताया मस्कुलरिस होती है। ठीक है, तो मस्कुलरिस लेयर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखो, दो पार्ट में ये डिवाइड किया हुआ है मैंने। जो आउटर आउटसाइड पार्ट में यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इनर वाले पार्ट में सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मस्कुलरिस लेयर। और तुम्हें पता है, ये जो मस्कुलरिस लेयर है, इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बोलो, इट इज अंडर रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, येस और नो? ओके। यहां पर जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और इसको याद कैसे करेंगे आप, ये कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर। तो देखो, ओला नाम सुना है ना, ओला कैब्स, और एक आईसीयू भी सुना होगा, पता चल गया, आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर। ओके, नाउ आई वॉज सेइंग दैट कि इन बिटवीन दीज आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल लेयर्स सम नर्व प्लेक्सेस आर प्रेजेंट, दीज आर नोन एज ऑर्बेक्स प्लेक्सेस। ऑर्बेक्स प्लेक्सेस बताऊंगा इनके फंक्शंस क्या होते हैं। और बिटवीन, ये जो आगे वाली लेयर है, और इनर सर्कुलर के अंदर की तरफ मेसनर्स प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब यहां पर इसके अंदर जो लेयर है वो है सब म्यूकोसा, जिसको मैंने यहां लेबल कर रखा है, दिस इज सब म्यूकोसा आफ्टर मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा। अब ये पूरी हम गट की बात कर रहे हैं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल का एक सेक्शन लिया है मैंने। तो अगर इसमें जनरली मैं बात करूं तो सब म्यूकोसा हर जगह ही प्रेजेंट है, लेकिन ड्यूडेनम में जो सब म्यूकोसा है ना, जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, तो उस ड्यूडेनम की जो सब म्यूकोसा है वहां पर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करती है, एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करती है, ताकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ड्यूडेनम का, इंटेस्टिन का एनवायरनमेंट, वो जैसे स्टमक से खाना निकल कर आता है, स्टमक में एचसीएल होता है, फिर वहाँ से जस्ट इंटेस्टाइन में आता है, तो उसका क्या करना पड़ता है, पीएच थोड़ी नॉर्मल करनी पड़ती है, इसलिए एल्कलाइन म्यूकस का ये सिक्रीशन करती है। ओके, ये सब पढ़ेंगे आराम से अच्छे से, बट याद रखिए ड्यूडेनम में सब म्यूकोसा में ग्लैंड होती है ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, इसके अंदर फिर क्या होगी, म्यूकोसा, ये दिस लेयर इज नोन एज म्यूकोसा। ठीक है, एंड फिर ये क्या है, ल्यूमन है ये एलिमेंट्री कैनाल का, खाली ल्यूमन। ओके, अब कुछ बात इस म्यूकोसा के बारे में, ये जो म्यूकोसा है इट इज मेड अप ऑफ, ध्यान से सुनना, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। बोलो क्या, इट इज मेड अप ऑफ नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। बड़ी जरूरी बात, नॉन स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। ओके,
ये नॉन किरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, एक तो एक ये ईसोफेगस में प्रेजेंट है, एक ये फेरिंग्स में प्रेजेंट है, एक एनस में प्रेजेंट है। सो फेरिंग्स, ईसोफेगस, बकल कैविटी और एनस के रीजन में जो म्यूकोसा है वो नॉन किरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है, यस और नो? अदरवाइज बाकी के जो पार्ट हैं उनमें ये कॉलमनार एपिथीलियम की बनी भी होती है। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है ना, बाकी के जो पार्ट होते हैं उनमें ये कॉलमनार एपिथीलियम की बनी हुई होती है। एक जरूरी बात बताऊं क्या, मेरी बात सुन तू, ये जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है ना, तो कैनाल छोटी और मोटी हो जाती है। जब ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है ना, तब तब जो एलिमेंट्री केनाल है ना वो छोटी छोटी और मोटी हो जाती है, छोटी और मोटी हो जाती है। एंड देन द आउटर लॉन्गिट्यूडनल की बात कर ली, इनर सर्कुलर की बात बताऊं क्या, ये भी कम नहीं है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो एलिमेंट्री केनाल क्या होगी, छोटी मोटी ना, लंबी और पतली, लॉन्ग एंड नैरो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन बनता है। रिवाइज करते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, बोलो क्या होता है, छोटी मोटी हो जाती है, और इनर सर्कुलर लंबी पतली। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, या आई कैन से हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री केनाल। अब इन्हीं बातों को हम शब्दों में पिरो कर यहां लिखेंगे ताकि ये बातें तुम्हारे दिमाग में लंबे टाइम तक बैठ जाएं कुंडली मार के। तो चलिए मैं इस चीज को भी यहां से रब कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं यही पॉइंट्स जो मैंने घुमा फिरा के जलेबी की तरह आपको बताए हैं, वहां पे मैंने आपको सीधी तरह बताए हैं, वहां पर मैं घुमा फिरा के जलेबी की तरह लिखता हूं। एज आइडियल कंडीशंस में अगर मैंने आपको इतना बता दिया और छोड़ दिया तो शायद बच्चे जो अगली बार पढ़े इसको तो उनको समझ में ना आए, भूल जाएं कि यहाँ पर क्या बोला था उसने, यहाँ पर क्या बोला था। तो एक बार नोट्स प्रॉपर होने चाहिए हमारे। तो देखिए अभी लिखता हूँ मैं, ये मैंने यहाँ पर पूरी थ्योरी नोट कर ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या हमने लिखा है, क्या पढ़ा है। तो चलिए देखिए, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ फोर फोर लेयर्स, पता है ना, सीरसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये सब नो जानते हो। सबसे पहली लेयर मैंने आपको बताई थी, दैट इज सीरोसा, और ये जो सीरोसा है ना, ये इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ गट। क्या है ये, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ गट, और ये सिरोसा विसरल पेरिटोनियम की बनी हुई होती है, और साथ में इसमें एरियोलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। वहां पर मैंने कनेक्टिव टिश्यू बोला था, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना, याद रखिएगा। सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, मीजोथीलियम, यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम प्रेजेंट होता है, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो मीजोथीलियम। सो इफ एनीबडी आस्क यू दैट सेरोसा इज कंपोज्ड ऑफ, देन यू विल से हिम दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम विच इज मीजोथीलियम। अगर आपने एनिमल टिश्यू पढ़ा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ा है, तो आप ये पक्का सारी टर्म्स जानते हैं। देन ऑन द नंबर नेक्स्ट, मसल लेयर, तो मैंने बोला था ना कि ये किसके द्वारा फॉर्म की जाती है, ओला एंड आईसीयू, इनर सर्कुलर मसल लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ स्मूद मसल, ये सुनो, लेयर ऑफ स्मूद मसल एंड द थिकेस्ट लेयर प्रेजेंट इन स्टमक। और ये जो मसल लेयर है ना, ये थिकेस्ट प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर, क्योंकि स्टमक के अंदर मैक्सिमम पेरिस्टेल्सिस चाहिए होता है,
स्टमक जहां पर मैक्सिमम पेरिस्टेलिसिस होता है वहां पर ये मसल लेयर थिक होती है, मोटी होती है और ये थिनेस्ट होती है रेक्टम में। कहाँ होती है ये थिनेस्ट होती है रेक्टम में, जहां पर मिनिमम पेरिस्टेलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। ये सुनो, जहां पर मिनिमम पेरिस्टेलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, थिनेस्ट प्रेजेंट इन स्टमक एंड थिकेस्ट पार्ट ऑफ थिकेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेयर इज प्रेजेंट इन स्टमक एंड थिनेस्ट इज प्रेजेंट इन रेक्टम, वेयर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम पेरिस्टेलिसिस। और इसके साथ साथ जो अपना स्टमक है ना, पेटू, स्टमक के अंदर एक एडिशनल ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है जनाब। यहाँ पर एक एडिशनल ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है, मेरी बात सुन रहे हो ना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक एडिशनल मसल लेयर भी प्रेजेंट है जस्ट इन्फीरियर टू सर्कुलर मसल, जस्ट इंटीरियर टू सर्कुलर मसल, समझ रहे हो। ऑब्लिक मसल लेयर, एक एडिशनल एक मसल लेयर प्रेजेंट होती है स्टमक में इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के अलावा, जो कहाँ होती है सर्कुलर मसल के अंदर की तरफ होती है, यानी सबसे अंदर की तरफ ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब, सुनिएगा बड़े गौर से। थर्ड लेयर है सब म्यूकोसा और ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की ऐसी लेयर होती है, ये ऐसी लेयर होती है। कैसी होती है भाई, इसके अंदर ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल और नर्व्स की भी सप्लाई होती है। यहां पर दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर विद ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू विद ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व सप्लाई। ओके, नाउ चिल्ले लही, नेक्स्ट मसल लेयर है सबसे अंदर म्यूकोसा, सबसे अंदर म्यूकोसा। इस म्यूकोसा के अंदर बहुत सारी सिक्रीटरी और एब्जॉर्बटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं भाई साहब। सिक्रीशन के लिए बहुत कुछ ही होता है ना, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर म्यूकोसा जो लेयर है ये सिक्रीटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स कंटेन करती है। अब तुम्हें पता है, चैन नहीं मिला मुझे, मैंने इस म्यूकोसा को भी तीन लेयर में और डिवाइड कर दिया, मैंने इसके भी खत 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 करके तीन पार्ट बना दिए मेरे भाई। अरे तीन पार्ट बना दिए इसके, सुन रहा है ना तू। आउटर लेयर टुवर्ड्स म्यूकोसा इज कॉल्ड, ये देखो, ये म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा है, इधर सब म्यूकोसा, ये म्यूकोसा है। अब इसमें जो पार्ट म्यूकोसा की तरफ प्रेजेंट है ना, म्यूकोसा का मतलब ये म्यूकोसा है, ठीक है, इसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक दो, ऐसे एक दो तीन पार्ट हो गए इसके। ये वाला जो पार्ट है इधर, तो देखो ल्यूमन हो गया, इधर वाला जो पार्ट है ना अंदर की तरफ, ये टुवर्ड्स म्यूकोसा, इसको बोलते हैं म्यूकोसा मस्कुलरिस। मेरी बात सुन, इसको बोलते हैं म्यूकोसा मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस तेरे को नाम से समझ में आ गया होगा, होशियार बच्चा है तू, तेरे को नाम से समझ में आ गया होगा कि इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। नाम से समझ में आ गया होगा तेरे को, ये स्मूथ मसल से बनी हुई है म्यूकोसा मस्कुलरिस आउटर लेयर टुवर्ड्स म्यूकोसा आउटर लेयर। It expose surface area for absorption, provide support to the folds of mucosa। अब यार बाहर की तरफ जो mucosa के folds present है ना, उनको ये support provide करती है। जिल्ले लही, आगे की ओर है middle layer। मेरी सुन तू, मिडल लेयर है ना, मिडल लेयर, इसको लेमिना प्रोपरिया कहा जाता है। सर मैं मिडल लेयर हूं, मुझे लेमिना प्रोपरिया कहा जाता है, मैं बहुत ही प्रॉपर हूं। लेमिना प्रोपरिया कंटेन लिम्फेटिक टिश्यू,
तुम्हें पता है मिडल लेयर जो है ना, ये मिडल पार्ट जो है ना, ये जो मिडल पार्ट है म्यूकोसा का, जो मैंने डिवीजन किया है उसमें मिडल पार्ट है, इसको बोला जाता है लेमिना प्रोपरिया, और इस पीछे वाले पार्ट को बोला जाता था म्यूकोसा मस्कुलरिस, बोला जाता था म्यूकोसा मस्कुलरिस। ये म्यूकोसा मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती थी, और ये लेमिना प्रोपरिया ये इसमें लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। मिडल लेयर इज कॉल्ड लेमिना प्रोपरिया विच कंटेन्स लिम्फेटिक टिश्यूज, और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो यहां पर कौन से टिश्यू प्रेजेंट हैं, म्यूकोजा एसोसिएटिव लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया है यहां पर क्या प्रेजेंट है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहां पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है लेमिना प्रोपरिया के अंदर, कंटेन लिम्फेटिक टिश्यू, माल्ट म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। इट इज अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द होल बॉडी, 50% पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक्स। अब ये क्या काम करता है यार, लिम्फेटिक्स क्या काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सीधी सी बात है, अंडरस्टूड बात है यार। जैसे एग्जाम्पल पेयर्स पैचेस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल पेयर्स पैचेस होते हैं, अभी उनके बारे में बताऊंगा। ये क्या होते हैं, ये एग्रीगेटेड लिम्फ नोड्स होते हैं, पेयर पैचेस आर एग्रीगेटेड लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम। ये एग्रीगेटेड लिम्फ नोड्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और स्पेसिफिकली बोलूँ तो इलियम में प्रेजेंट होते हैं, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या बोला मैंने, मिडल लेयर इज नोन एज लेमिना प्रॉपरिया, जो जिसके अंदर लिम्फ लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट हैं, एग्जाम्पल जैसे माल्ट है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इस यहाँ पर ये जो लिम्फोइड टिश्यू है इसको बोला जाता है माल्ट म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये प्रोवाइड इम्यूनिटी इन पेयर पैचेस एग्जाम्पल। एंड हम बोले कि दिस इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का भी बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू, समझ रहे हो, याद कर लो यही पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। इनर मोस्ट लेयर इन कॉन्टेक्ट विद फूड इज कॉल्ड एपिथीलियल म्यूकोसा। अब जो इनर मोस्ट लेयर जो यहां यहां तुम्हें दिख रही होगी, यहां ये इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर जो फूड के कॉन्टेक्ट में होगी ना, यहाँ पे फूड होगा उसके कॉन्टेक्ट में जो लेयर होगी इनर मोस्ट, इसको एपिथेलियल म्यूकोसा बोला जाता है। जोर से बोलो एपिथेलियल म्यूकोसा, सारे बोलो एपिथेलियल म्यूकोसा। देन इसोफेगस में तुम्हें बताया गया, इसोफेगस में जो ये लेयर है ना, ये एपिथेलियल म्यूकोसा, ये नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ईसोफेगस में ये एपिथीलियल म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। मेरी बात तुझे आ रही है ना, ये मैं पहले ही बता चुका हूं ना पॉइंट, अब सुनो। फोल्ड्स ऑफ ईसोफेगस आर लेस डेवलप्ड। अब तुम्हें पता है ईसोफेगस में फोल्ड्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल पाइप है जिसके थ्रू खाना जा रहा है। यहाँ पर जो ये फोल्ड्स होते हैं ना म्यूकोसा के अंदर, इनर मोस्ट लेयर के अंदर जो फोल्ड्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईसोफेगस में डाइजेशन होता है क्या, बोलो यस और नो। नहीं होता सर, नहीं होता। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एक दिन तू डॉक्टर बनेगा। वेयर एज फोल्ड्स ऑफ स्टमक आर फिंगर शेप्ड एंड डेवलप एज ग्लैंड। मैंने बोला कि ईसोफेगस के फोल्ड्स, मैंने बोला कि ईसोफेगस के फोल्ड्स डेवलप्ड नहीं होते क्योंकि वहां डाइजेशन नहीं होता, बट स्टमक में तो होता है। कहाँ होता है, स्टमक में होता भाई, स्टमक में डाइजेशन होता है, तो वहां पर ये जो म्यूकोजा है ना इसके फोल्ड्स डेवलप्ड होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, और वो ग्लैंड्स में डेवलप हो जाते हैं, वो ग्लैंड्स बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं वो म्यूकोजा के फोल्ड्स। एग्जाम्पल दूं क्या तेरे को, अरे गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना अपनी, गैस्ट्रिक ग्लैंड,
मेरी आपकी सबकी प्यारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। इससे बात नहीं करोगे क्या ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से? बेटा बिल्कुल बात करेंगे, इस चैप्टर में इसी से तो बात करनी है, यही तो काम शुरू करेगी मेरा। गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत प्यारी है, बहुत, देखो नीले रंग से लिखी हुई गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ से बनती है? ये मॉडिफिकेशन होती है फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा की, ठीक है? चलो, अब जैसे स्टमक में डाइजेशन होता है, स्टमक में कुछ हो रहा है तो यहाँ पर फोल्ड्स हैं, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में, जरा ऊपर देखो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेरी बात सुनो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ऐसा होता है। तुम देख रहे हो ना, अरे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना ये, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें भी फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, यहां पर भी फोल्ड्स प्रेजेंट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पर कॉनिकल शेप की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको लोग प्यार से विल्ली बोलते हैं, जिसको लोग प्यार से विल्ली बोलते हैं। अच्छा, विल्ली बोलते हैं क्या? हाँ, क्या बोलते हैं? विल्ली, विल्ली। और तुम्हें पता है ये विल्ली क्या करती हैं? ये एब्जॉर्प्शन को इफेक्टिव बना देती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। क्या करती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है ना, उसको इंक्रीज कर देती हैं। सोचो, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन बड़ी इफेक्टिवली होगा एब्जॉर्प्शन। सो विलाई, अच्छा इनमें क्या प्रेजेंट होता है? विलाई में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, एंड यहाँ पर लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट है, एक लार्ज लिम्फ वेसल प्रेजेंट है। तुम्हारी एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास? अरे तो अपनी खोलो एनसीईआरटी और उसमें देखो, एक ऐसा 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 डायग्राम बना हुआ है, और उसी डायग्राम में, उसमें गौर से देखना, हर एक पाइप का रंग याद कर लेना कि ये आर्टरी है, ये वेन है, ये कैपिलरी है, ये विलाई है, अरे ये तो लैक्टियल है, याद कर लेना। क्यों क्यों याद करें? क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर नीट। सो मैं बोल रहा था, ये जो विलाई है ना, दीज आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, गौर से देखो, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज, जिनको लैक्टियल बोलते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज जिनको लोग क्या बोलते हैं, 1 2 3 लैक्टियल बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं, लैक्टियल क्यों बोलते हैं लैक्टियल? वेल आई डोंट हैव एनी आइडिया, दैट आई कॉल लैक्टियल। या जोक्स अपार्ट, सेल्स लाइनिंग विलाई आर कॉल्ड एंटेरोसाइट्स। तू ध्यान से देखना इस चीज को, ध्यान से, तू कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए, यहां ध्यान होना चाहिए। एंटेरोसाइट्स होती हैं, बोल क्या होती हैं? जोर से बोल, मैं सुन रहा हूं। वाह, एंटेरोसाइट्स, वाह। सेल्स लाइनिंग विलाई आर नोन एज एंटेरोसाइट्स, और ये एंटेरोसाइट्स, दीज सेल्स बियर्स न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। यस और नो? ये एंटेरोसाइट बियर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। विलाई प्रेजेंट है, विलाई की जो अपर सरफेस पे सेल्स हैं उनको बोलते हैं एंटेरोसाइट्स। अब उन एंटेरोसाइट्स की भी, उन एंटेरोसाइट्स पर भी न्यूमरस प्रोजेक्शन प्रेजेंट हैं, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई हूं मैं विलाई की छोटी बहन हूं, मैं जो काम हो रहा है ना ये, इसको और ज्यादा इफेक्टिव कर देती हूँ। मैं माइक्रोविलाई हूँ सर, मैं इस डाइजेशन को, इस एब्जॉर्प्शन को और भी ज्यादा इफेक्टिव कर देती हूँ, है ना? और मैं हूं ना यहाँ पर, मैं हूं ना इसके पास, मैं हूं ना, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि इस इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम है, क्योंकि मैं ब्रश जैसी दिखती हूँ, मैं ऐसी होती हूँ, मैं ब्रश जैसी अपीयरेंस देती हूँ इसको। एंटेरोसाइट्स बियर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई, और ड्यू टू दिस इज नोन एज ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम। ऐसा बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम प्रेजेंट है।
क्या काम करते हैं ये? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन. ये सुनो, दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन इन दिस पार्ट. फोकस हियर. स्मॉल स्लिट लाइक स्पेस आर फाउंड एट द बेस ऑफ विलाई. स्मॉल स्लिट लाइक स्पेस आर फाउंड एट द बेस ऑफ द विलाई कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहेन. बड़ी जरूरी बात, उस डायग्राम में तुम्हें एक नाम लिखा हुआ मिलेगा, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहेन. बोलो, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहेन. व्हाट आर दीज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहेन? आर स्मॉल, छोटे छोटे, पैग मारो, छोटे छोटे स्लिट लाइक स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. ये जो विलाई है ना, इसके बेस में. ये गंदा सा डायग्राम जरा देखो गौर से, कुछ ऐसा डायग्राम तुम्हें एनसीईआरटी में देखेगा. यहाँ पर जो ये विलाई के नीचे, एट द बेस ऑफ विलाई, यहाँ पर ये कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहेन. याद रखना, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहेन एट बेस ऑफ विलाई. अब इसी डायग्राम में तुम्हें कहीं लैक्टियल देखने को मिलेगा, लार्ज लिम्फेटिक वेसल, यहाँ कैपिलरी, यहाँ पर देखो विलाई देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखो कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहेन. ये लेबलिंग याद कर लेना. यहाँ पर ए बी सी डी लिख करके खाली छोड़ करके क्वेश्चन बन सकते हैं. नाउ I would like to share very, 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 very important information with you guys. क्या? ये 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 विलाई है ना, ये वाली, ये विलाई, ये क्या है? ये विलाई है. तुम्हें पता है जीजूनम? जीजूनम जानते हो क्या सर? जीजूनम क्या होता है? देखो, जीजू का नंबर, जीजूनम, जीजूनम. ये जो विलाई है ना, ये जीजू का नंबर लेने के लिए सबसे ज्यादा इसके पीछे पड़ी रहती है. जोक्स अपार्ट, मैक्सिमम विलाई आर प्रेजेंट इन जीजूनम. और ये जो जीजूनम है ना, ये जीजूनम बड़ा प्यारा है. ये जीजूनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है. ड्यूडेनम के बाद जीजूनम आता है. कौन सा? कई लोग इसको जीजूनम बोलते हैं, लेकिन मैं तो इसको जीजूनम बोलूँगा. मैं तो इसको जीजूनम बोलूँगा, मेरी मर्जी. जीजूनम में मैक्सिमम विलाई प्रेजेंट होती है, सबसे ज़्यादा घेर लेती है इस जीजू को. तो ये विलाई, मैक्सिमम विलाई आर प्रेजेंट इन जीजूनम. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट ब्रूनर्स ग्लैंड. सर ये ब्रूनो है क्या? ब्रूनर्स ग्लैंड, इट इज ब्रूनर्स ग्लैंड. इसको सब म्यूकोजल और ड्यूडेनल ग्लैंड भी बोला जाता है. अब समझ जाओ यार, तुम समझदार नहीं हो क्या? समझने की कोशिश करो, समझो इसको. अगर ब्रूनर्स ग्लैंड को कोई सब म्यूकोजल या ड्यूडेनल ग्लैंड बोल रहा है, इसका मतलब ये कहाँ प्रेजेंट है? अरे अरे, ये तो सब म्यूकोजा में प्रेजेंट है. अरे ये तो सब म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट है. और कहाँ प्रेजेंट है? ड्यूडेनम में. यही बोल दिया जाता है. यह एनसीईआरटी में तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा कि इन सब म्यूकोजा लेयर ऑफ ड्यूडेनम ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट. और ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करती है? ये हरे में जो लिखा हुआ है, ये बड़ा जरूरी काम करती है. तुम न हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं. ज्यादा कम नहीं चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में, नॉन एंजाइमेटिक यानी बिना एंजाइम का एल्केलाइन, मानी चिन्नू चिन्नू सा बेसिक एल्कलाइन. एल्कलाइन वाटर सोल्यूबल बेस इज नोन एज एल्कली, सो इट इज एल्कलाइन सॉल्यूशन. नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस का सीक्रीशन करती हैं. अरे यार, याद हो जाना चाहिए पॉइंट. तो ये क्या करती हैं? नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस का सीक्रीशन करती हैं. क्या करती हैं? नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस का सीक्रीशन. तुम्हें पता है ये ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोजा में प्रेजेंट है, तो तुमने ये नहीं सोचा कि ये म्यूकोजा तक, मतलब यहाँ पर ये मतलब ल्यूमन तक अपना सीक्रेशन कैसे पहुँचाती हैं? सर सोचा तो थोड़ा थोड़ा था हमने, पर कहा कि ज़्यादा जोर देना सही नहीं समझा हमने. देना पड़ेगा जोर. कैसे पहुँचती है? अरे यार, अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ कोई लिक्विड पहुँचाना हो, क्या करोगे? सर यहाँ से ग्लास में डालेंगे और यहाँ दे देंगे. कहते बार बार पहुंचाना है तो पाइप भी तो लगा सकते हो. तो वैसे यहाँ पर पाइप प्रेजेंट होते हैं,
ओपन इन क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरको हैंड विद द हेल्प ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स। चिन्हों चिन्हों से फाइन ट्यूब्यूल्स के जरिए ये क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकोहेन में अपने सिक्रीशन को दे देती हैं, विच इज नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीशन। ये सब म्यूकोजल ग्लैंड है, ये ड्यूडेनल ग्लैंड है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड है। और मजा आ गया, पड़ गया मजा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा हुआ है, ये पैनीथ सेल्स हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकोहेन में। ये जो क्रिप्स ऑफ ल्यूबर का है ना, ये ल्यूबरकोहेन के गड्ढे, ल्यूबरकोहेन के जो गड्ढे हैं ना, इन गड्ढों में पड़ी रहती है बेचारी पैनीथ सेल्स। पैनीथ सेल्स क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकोहेन में पड़ी रहती हैं। और पता है, ये इतने गड्ढे में पड़ी है फिर भी ये जरूरी काम करना नहीं छोड़ती। ये बहुत जरूरी काम करती हैं। अगर ये ना हो तो हम बीमार पड़ जाएंगे, सिक्रीट ये करती है डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम एंजाइम। क्या करती है ये डिफेंसिन और लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रीट करती हैं, ये सुनो बोलो ना, ये सिक्रीट करती हैं डिफेंसिन और लाइसोजाइम एंजाइम। अरे अरे सर, ये मैंने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ये? अरे ये तो सैलिवरी जूस में प्रेजेंट था, आपने बताया था ना। हाँ मैंने बताया था, ये लाइसोजाइम क्या होता है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, यह मर्डर कर देता है बैक्टीरिया का, मार देता है सालों को, चुन चुन के मारता है ये डिफेंसिन। यार नाम से समझ में आता है, डिफेंस नाम नहीं समझ में आता क्या? सो पैनीथ सेल सीक्रेट डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम एंजाइम विच आई कैन से प्रोवाइड इम्यूनिटी। देन पेयर स्पैचेस ये क्या होते हैं? अरे 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 ये तो पढ़ा है अभी, अरे थोड़ी देर पहले याद नहीं आ रहा क्या बोला था, कहाँ बोला था, अभी थोड़ी देर पहले, पेयर स्पैचेस कहाँ बोला था, ये कहाँ बोला था, यहाँ देखो गौर से देखो, मैंने यहाँ बताया था मिडल लेयर में, मिडल लेयर को लेमिना प्रॉपरिया बोलते हैं ना, म्यूकस की मिडल लेयर को लेमिना प्रॉपरिया बोलते हैं, जिसमें माल्ट प्रेजेंट है, म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एग्जाम्पल है पेयर स्पैचेस। और ये वही पेयर स्पैचेस है क्या? हाँ वही है पेयर स्पैचेस है ये तो। अरे ये पेयर स्पैचेस क्या काम करते हैं, दीज आर एग्रीगेटेड लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम। अरे ये इलियम में प्रेजेंट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। सुन रहा है ना तू, सुना रहा हूँ मैं, रट रहा है ना तू, रटा रहा हूँ मैं। पेयर स्पैचेस एग्रीगेटेड लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन और स्पेसिफिकली इलियन में प्रेजेंट होते, क्या काम करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एंट्रिक नर्वस सिस्टम, देर आर टू नर्व प्लेक्सेस प्रेजेंट, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में बनाया था। अच्छा डायग्राम दिखा सकते हो? नहीं मैंने मिटा दिया, सॉरी आई एम सॉरी। ऑर्बेक्स प्लेक्सेस एंड मिजनर्स नर्व प्लेक्सेस, मैंने बोला था कि मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर बताऊंगा कि ये दोनों क्या काम करते हैं, वही बोला था मैंने, फंक्शन की बात करेंगे और मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। तो सुनो, ये ऑर्बेक्स नर्व प्लेक्सेस क्या करते हैं, ये दीज स्टार्ट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन टू इनिशिएट पेरिस्टेल्सिस। और ये काम करती हैं क्या, ये पेरिस्टेल्सिस कराती हैं? हाँ पेरिस्टेल्सिस कराती हैं। ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं? हाँ ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। ये ऑर्बेक्स प्लेक्सेस है ना, ये ऑर्बेक्स नर्व प्लेक्सेस है ना, ये क्या कराती हैं, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। अच्छा ये पेरिस्टेल्सिस कराती हैं, अच्छा मतलब ये है वो जो डिचुक 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 ऐसे करके खाने को मूव कराती है, ये वो है। मेरे को तो पता ही नहीं था ये ऑर्बेक्स नर्व प्लेक्सेस इतने होशियार हो सकते हैं, कि मैंने सोचा नहीं था रियली। मैंने सोचा था मिजनर्स नर्व प्लेक्सेस सुनो ये कुछ नहीं करते, ज़्यादा नहीं है इनका ये क्या है, ये बस ये रेगुलेट करते हैं एपिथीलियल म्यूकोजा का सिक्रीशन, ये इनका ज़्यादा नहीं है, ये रेगुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ एपिथीलियल म्यूकोजा। क्या करते हैं बोलो, दीज रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ एपिथीलियल म्यूकोजा। अब देखो
तुम्हें पता है, समझ गए ना? ऑप्शन भी नहीं यार, समझना पड़ेगा। सर नहीं समझे तो? नहीं समझे तो देखो, सिंपल ऑप्शन है, एक बार फिर जाने का, 5-10 मिनट पीछे करने का, फिर देखने का, फिर देखने का, एक दिन जरूर समझ में आएगा। अच्छा, एक दिन जरूर समझ में आता है, हर किसी को समझ में आता है एक दिन। सो ये हमने कुछ चुटकी मुटकी सी इंफॉर्मेशन पढ़ी है अबाउट, थोड़ा बहुत अपने लेयर्स के बारे में पढ़ा है, जो GIT की अपनी लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ा है, और उनमें क्या क्या ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने बड़ी मौज मस्ती से मज़े में ख़त्म भी कर ली। देखो कितने होशियार हैं, मज़े में ख़त्म कर लेते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ यार, थोड़ा सा किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ मत मानना, मत, मैं ऐसे मजाक में पढ़ाता रहता हूँ, और हो सके तो पॉजिटिव कमेंट्स किया करो, क्योंकि अगला यहाँ पर मेहनत कर रहा है, बोर्ड पर लिख रहा है, लोग स्मार्ट स्क्रीन लगा कर उसमें पढ़ाते हैं, और वो भी आधा अधूरा पढ़ाते हैं, बेटा जी बच्चा जी करके निकाल देते हैं हाय हेलो में। एक घंटे का सेशन होता है, उसमें आधे घंटा हाय हेलो चलता है उनका। तो दैट्स, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ आई होप आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।